अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी का टाइम लगभग 9:30 बज रहा है और अभी दूध वाले भैया आए हैं। तो चलिए इनसे दूध ले लेते हैं। और ये दूध वाले भैया बहुत दिनों के बाद आए हैं क्योंकि इनका तबीयत खराब हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह चलते हैं जो हम लोग खेती किए हैं तो उसी को देखने के लिए, हम लोग का खेती कैसे हुआ है। और इधर सासू अम्मा जा रहे हैं और बाजी भी जा रहे हैं और इधर मैं और बच्चे लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जाकर देखते हैं हम लोग का खेती कैसे हुआ है। और यहाँ से काफी ज्यादा दूर है हम लोग का खेती। तो दोस्तों, इस बार बहुत कम लोग रोपा लगाए हैं और आधा से ज्यादा बहुत अपने अपने खेतों का बुनाई किए हैं क्योंकि दोस्तों रोपा लगाने वाले लेबर लोग ज्यादा नहीं मिलते हैं, इसीलिए ज्यादातर हम लोग के गांव में खेतों का बुनाई किए हैं धान का। और इसीलिए हम लोग भी पूरा खेत का बुनाई ही कर दिए हैं, रोपा वगैरह नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों, खेत के साइड आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं चारों तरफ एकदम हरा भरा है, एकदम हरियाली जैसे लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये सभी खेतों का धान भी बहुत ही अच्छा हुआ है हम लोग का। और आज हम लोग आए हैं दूर वाला खेत को देखने के लिए और देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर हम लोग का धान हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का ये वाला खेत यहाँ से लेके वहाँ तक है, बहुत ही बड़ा ये वाला खेत है हम लोग का। और एक ठो ये है यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर का भी है पूरा हम ही लोग का खेत है। और सभी में धान बहुत ही अच्छा हुआ है तो देख के बहुत ही खुशी हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग के खेत में थोड़ा थोड़ा घास हो गया है तो इसको घास मरने वाला दवाई डालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का धान और भी अच्छे से हो पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग अपना खेत को पूरा देख लिए हैं और दूर दूर में भी है हम लोग का खेत, तो उसको जाएंगे बाद में देखने के लिए। और चलिए अभी के लिए चलते हैं घर, काफी ज्यादा हम थक गए हैं इधर आके और बहुत ही ज्यादा घर से दूर आए हैं खेत देखने के लिए। और धान भी बहुत ही अच्छा हुआ है तो देख कर भी अच्छा लगा, तो चलिए अब चलते हैं घर। तो दोस्तों, खेत से आते आते पूरा पैर और चप्पल में कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो चलिए सबसे पहले अब हाथ पैर को अच्छे से धो लेते हैं। और दोस्तों, हम लोग कुछ दिन पहले ऑनलाइन से फूल का बीज मंगाए थे तो उसको हम लोग घर में ही कार्टून में बो दिए थे। तो चलिए दोस्तों, आज निकाल कर देखते हैं हम लोग का फूल अच्छे से पौधा बना कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, जो हम लोग फूल का बीज मंगाए थे तो इतना ही उजिया है और बाकी तो बीज अच्छे से निकल भी नहीं पाया है। और ये फूल तालाब वाले पैर में जगाने के लिए भी नहीं बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, खेत से आने के बाद मैं जल्दी से नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ और रोशनी सुबह से ही स्कूल गई है और उसका स्कूल में तबीयत खराब हो गया है और सर लोग कॉल किए थे कि जो रोशनी का तबीयत खराब हो गया है, स्कूल में बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह कर रही है। दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ रोशनी को ले आती हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, रोशनी स्कूल से आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज कर चुकी है और स्कूल में ही इसका तबीयत खराब हो गया था, तो अभी इसको शाम को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, रोशनी के अब्बू आएंगे तब। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मेरे को घर का कुछ सामान खरीदना है और घर का तेल वगैरह भी खत्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके आने से पहले ही मैं जाकर ले आती हूँ, फिर इसको ले जाएंगे डॉक्टर के पास हम लोग। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं घर का सामान लेने के लिए। और अभी बारिश जैसा मौसम कर रहा है तो पता नहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से ही लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों, आज मेरे को बाइक चलाने का मन कर रहा था लेकिन मैं चलाने के लिए नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बाइक को बाहर जरूर निकाल सकती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम लोग दुकान में अच्छे से पहुंच चुके हैं, तो चलिए जो जरूरत का सामान है तो अब उसको ले लेते हैं। और दोस्तों, ये दुकान वाले बोल रहे हैं कि इस बार बहुत दिनों के बाद आए हैं तो थोड़ा सा मेरे पास बैठ लीजिए। और दोस्तों, ये दुकान वाली दीदी वैसे में बहुत ही अच्छी है, कभी भी मैं इनका दुकान में आती हूँ तो अपना दुख सुख सुनाते रहती है, तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगता है।
तो चलिए दोस्तों अब एक ठो कच्चा नारियल भी ले लेते हैं और जिसमें पानी रहेगा तो उसी नारियल को मैं छांट लेती हूँ। और दोस्तों बहुत बार ऐसे नारियल को घर में ले जाने से, बहुत बार फोड़ने से एकदम खराब निकल जाता है, तो इसीलिए मैं अच्छा से अच्छा एक ठो नारियल को छांट लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों जितना मेरे को जरूरत का सामान था उतना मैं ले चुकी हूँ। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं घर, अभी बारिश रुका हुआ है, कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ घर में खाने के लिए खजूरा बनाऊंगी और अपने सास ससुर को खिलाऊंगी, क्योंकि दोस्तों आज उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया है ब्लाउज को लेकर। वैसे तो दोस्तों रोशनी की दादी का ब्लाउज को रोशनी के दादा ही सिलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस बार बिगाड़ दिए, बाही को थोड़ा सा लंबा कर दिए और एक बाही थोड़ा लंबा हो गया और एक बाही थोड़ा छोटा हो गया, इसीलिए रोशनी की दादी गुस्सा गई है। तो उन दोनों का गुस्सा ठीक करने के लिए अब मैं जा रही हूँ घर में कुछ मीठा बनाऊंगी। तो आज मैं घर में खजूरा बना रही हूँ, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों चाशनी और आटा को मैं अच्छे से सान चुकी हूँ, तो इसको थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देते हैं और तेल को मैं गर्म होने के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको मोटा मोटा गोला बनाकर इसको अच्छे से बराबर बेल लेते हैं। और आज इसको मैं एक ठो बिस्कुट डिजाइन में बनाऊंगी और आधा को मैं बर्फी डिजाइन में बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों एक ढक्कन से मैं इसको अच्छे से काट लेती हूँ गोल गोल। तो ये देखिए दोस्तों तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए जो मैं बिस्किट बनाई हूँ उसको अब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों इसको थोड़ा सा आराम से पकाना पड़ता है, तब जाके अंदर तक अच्छे से पक पाता है। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, अच्छे से फ्राई होता रहेगा तब तक से मैं और भी बेल लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा मेरा खजूरा बनके रेडी हो चुका है, एकदम बिस्कुट के जैसे, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। खजूरा को मैं आधा को गोल डिजाइन में बना रही हूँ और आधा को बर्फी के डिजाइन में बना रही हूँ। और ये देखिए इतना सारा आटा बचा हुआ है, तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं, कहीं लाइट ना कट जाए, और जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगी, फिर रात के लिए मैं खाना सब्जी वगैरह भी जल्दी से बना दूंगी। देखिए दोस्तों पूरा खजूरा भी बन के रेडी हो चुका है और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है, तो चलिए दोस्तों अब सासू अम्मा लोग को दे देते हैं खाने के लिए, आज उनका दिमाग भी ठीक नहीं है तो खजूरा को खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो चलिए दे देते हैं। तो दोस्तों सासू अम्मा लोग दुकान के साइड लेटे हुए हैं, तो चलिए वहीं चलते हैं, वहीं पे दे के आएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इधर सासू अम्मा लोग आराम कर रहे हैं और बाहर में बहुत ही तेज बारिश भी हो रहा है, तो चलिए खजूरा को दे देते हैं टेस्ट करने के लिए कैसे बना है। लीजिए आप खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसे बना है। तो चलिए दोस्तों अब रोशनी के दादा को भी दे देते हैं, वो भी खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों सासू अम्मा से पूछते हैं कैसा लग रहा है खजूरा। अच्छा लगा तो सही में बहुत अच्छा लगे थे। दोस्तों ऐसे बारिश होता रहता है तो खजूरा सब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और मजा भी बहुत ही आता है खाके। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।